हेलो गाइज, ये है नया दिन और आज का नया ब्लॉग। तो अभी आज जो है सो तकरीबन 12:01 बज रहा है और अभी हम निकले हैं। पता नहीं किस काम से निकले, लड्डू फोन किया कि कहीं चलना है। तो कौन सा जिम वाला का इतना खाली बैठे हैं कि मतलब चल दिए नहीं, देखते हैं क्या होता है। झंडा मतलब काम हमको पता चल गया, अभी जस्ट बोला है कि झंडा मतलब जो पीछे हिंदू वाला स्टिकर लगाने जाना है, हिंदू वाला स्टिकर। तो वही इसको पता है कि कहाँ लगता है, मतलब इसको पता है कि हमको पता है कहाँ लगता है, तो वही जा रहे हैं साथ में, लगवा देते हैं, फिर वही मिलते हैं। गाइज क्या बैड लक है, पिछली बार भी आए थे तो बंद था और आज भी आए हैं तो ये इनका दुकान बंद है। लेकिन विकास भैया के पास शायद स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो जाते हैं उनके पास, अगर उनसे होगा तो उनसे ही ले लेते हैं। इधर से आता पता है नहीं, इधर से आता पता है, आवाज तो आ रहा है कहीं से, लेकिन पिछले 10 मिनट से रोका हुआ है। पता नहीं क्या है, गुमती का सिस्टम भी हमको आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर क्या कारण होता है। आ गया ट्रेन से यहाँ ओवरब्रिज दे देना चाहिए भाई, ओवरब्रिज हर जगह कहाँ से दे देगा, लेकिन आधा आधा घंटा रोक के रखेगा भाई, बस तक गाड़ी सब माइलेज नहीं देता। नहीं तो ट्रेन को मेट्रो ट्रेन बना, वो बना देना अंदर 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 वाला आप पीछे इतना जाम है, आगे इतना जाम है, उस साइड भी उतना ही जाम हो गया होगा। अब क्या हो जाएगा कि चल आप आधा घंटा वापस, जहाँ पे इसका छत है वहाँ पे उसका खिड़की स्टार्ट हो रहा है, इसका अल्टो का जहाँ पे छत है फॉर्चुनर का खिड़की वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। क्या लड्डो दाम भी तो है, 4,40,000। ये बात है, बात ही जाए। और अभी विकास पे आए हुए हैं, विकास पे मले भैया जो है प्लान कर रहे हैं कौन सा गाड़ी लेने का। हिलक्स बेस मॉडल है वो, नहीं टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल उसका टेस्ट ड्राइव लेके बताते हैं। ये जो है पीछे और गिरेगा क्या? नहीं इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, सीट थोड़ा सा खड़ा है इसका लग रहा है, मतलब अच्छा लेग रूम कम है और ये ज्यादा खड़ा है भाई, ये ज्यादा खड़ा है में लग रहा है भैया, पिट्ठी के बाद में जो है ना। अच्छा चला के देखिए ना, सस्पेंशन बढ़िया है यार, टॉके होता सस्पेंशन भी बढ़िया, खुदा इसको से देखें नहीं लचक देखे। लचक भाई का फॉर्च्यूनर से बढ़िया है, पापन तो ठीक लग रहा है ना, डीजल डीजल है ना? हाँ डीजल इंजन, इतना साइलेंट है बाहर आवाज आ रहा है, हम लोग सुनाई नहीं दे रहा, साउंड तो कम है इसका हम लोग चलाए थे ना, वो बोला पीछे बैठा, ये जो है ना पीछे पूरा जो है बैक, ये इंटीरियर तो फॉर्च्यूनर वाला ही है, इंटीरियर फॉर्च्यूनर वाला ही पूरा ये सब दिया हुआ है, ऑफरोडिंग वाला सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, प्योर ऑफरोडिंग के लिए सब दिया। क्या बोले भैया? ये प्योर ऑफरोडिंग के लिए स्पेशली आप हिल पे जाते हैं। हां फोर व्हीलर वाला दिया हुआ है ना, हां हाई एस्पोर्ट L4 ये अपने टोयोटा सेगमेंट में जो है ना थार का कंपेयर करने के लिए। थार का कंपेयर करेगा ये, कैसा कैसा बात करते हैं, लग्जरी अति हो गया ये, ये मतलब ये 200 स्पीड इसका भी दिया है जो फॉर्च्यूनर 46 लाख रुपए। हेलो सेम नाम फॉर्च्यूनर वाला 46 लाख का। हवा हम पीजे तो भैया ये ब्लोअर वाला, अब आवाज देखिए तो अच्छा भाई, ये कितना सीसी है? ये 2.8 है। और कितना मतलब ये BHP है इसमें? आपको जो NM होगा 203 है और 500 mAh पे NM है, 500 mAh टॉर्क 203 तो वही अपना फॉर्च्यूनर वाला ही है, फॉर्च्यूनर वाला ही होगा, इसमें टॉर्क है ना उससे ज्यादा। अच्छा हां टॉर्क ज्यादा है खींचने में, जो तुरंत ले रहा है सही सेकंड से लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है खींचने में, टॉर्क इसमें ज्यादा है। हां पिंग भी हो रहा है इस लेटर में, लेकिन हल्का नहीं चल रहा है। हां स्टेडिंग है देख लो, ये वाइब्रेशन है इसमें, तो वाइब्रेशन आता है। ऑफरोडिंग चेक कर लो, मैं ऑफरोडिंग मेन तो ऑफरोडिंग है, उधर चलते हैं ना सेमफोर्ड के साइड। ये क्या किया फॉरन वाई फॉर्च्यूनर वाला,
टोयोटा यहाँ कंपनी नहीं है ना, नहीं जानता यहाँ के लोगों को, बिना उनकी गाड़ी नहीं चलता है। यहाँ का मतलब अगर कोई सुनो अपना बिहार का कोई अच्छी मैन्युफैक्चर होता है अगर गाड़ी का, दो ना स्वयं तो बिहार का, अगर बिहार का मैन्युफैक्चर अगर रहता है अगर, तो जो हॉर्न की जगह पर गाली बोलता आगे से, नहीं तो आगे हॉर्न लगा रहता भैया, हॉर्न की जगह प्रॉपर हॉर्न लगा रहता चालू हो गया, उसमें गाड़ी पड़ता है चलाने के लिए। उसमें क्या क्या नहीं है? उसमें आपको लेदर सीट नहीं आएगा, अच्छा मैनुअल गियर होगा उसमें, उसके बाद आपका जो हेलोजिन हेडलैम्प होगा, ठीक है, बाकी आपका सब सेम डिजाइन वगैरह सेम रहेगा। अच्छा, और उसका 10 मतलब 10 लाख रुपए का डिफरेंस है टॉप बेस में, और वो टू व्हील ड्राइव आएगा, वो टू व्हील ड्राइव है। अच्छा, तब तो खैर बात ही खत्म। इसी वजह से आपको एक तो ऑटोमेटिक टू व्हील ड्राइव, और मतलब अपना एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा क्या है ऑफरोडिंग मार्ग पे, तब ना पता चल जाता है ऑफरोडिंग जो नया बना है उसमें जा सकते हैं। ऑफरोडिंग चलिए ना, तो उसने तो मतलब रोड थोड़ी बनाया है, ऑफरोडिंग चेक करने के लिए तो बनाया भी किया हो जाएगा। सीट बेल्ट लगा तो इधर डाल है पे चोट लग गई, डाले टूट जाएगा, मत देखे ना बैठे हैं दूसरी गाड़ी में। हमर तो आज मत पूछ भाई, मेरा तो डरे हालत खराब है, हम देखो मेरा कलर वहां खराब हो गया। कौन बात की कवर लुक, ये फ्रंट लुक है इसका, दिखने में काफी ज्यादा बड़ा है ये सब। कितना इसका है ये ना लेंथ, कितना है इसका ये? 1450 1450 फॉर्चूनर जितना ही है, फॉर्चूनर यहाँ तक है, फॉर्चूनर भी तो गाइस अभी निकल गए विकास से, और गाड़ी का रिव्यू जहाँ तक है कि सब कुछ फॉर्चूनर जैसा ही है, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अब ये कह सकते हैं कि पीछे वाला सीट जो बहुत ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल है, जो बहुत हाई क्लास लोगों के लिए है, जो बहुत क्या कहा जाएगा उसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ रोडर जो होंगे उनके लिए है, हम लोग को नहीं जचने वाला ये सब, कैंसिल है, देखते हैं। तो गाइस वापस आ गए हैं घर, और इस ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए हुए, हमको सोने का मन है। हम ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी जो ठीक लगता है कर लीजिए, धन्यवाद दीजिए पूरा।